डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? ये रिपोर्ट? खबर बहुत बुरी है ब्रिजेश। नाहर के पास अभी बहुत कम वक्त बचा है बेटा। मगर डॉक्टर साहब, कुछ तो उपाय होगा। There must be some hope। अगर मैं नाहर को बाहर लेकर चला जाऊं किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहां शायद उस... इस बीमारी का दुनिया में किसी भी कोने में इलाज नहीं है। नहीं बड़ी बात छुपाई नाहर ने मुझसे, बड़े भाई से। Are you sure? Are you 100% sure? सर, मुझे क्या हुआ? मामूली सा सरदर्द था, आपने बेकार में डॉक्टर अंकल को तकलीफ दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चेकअप कराने में क्या हर्ज है। अगर कुछ नहीं है तो वही कंफर्म हो जाएगा ना। तभी नाहर अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था, सबसे अपनी तकलीफ छुपाना चाहता था वो। ये दर्द वो अकेले सहना चाहता था, ताकि हम सबकी आंखों में उसे आंसू ना देखने पड़े। डॉक्टर साहब, नाहर बिल्कुल ठीक था, भला चंगा था, फिर ये अचानक कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, ये तकलीफ ब्रेन में कोई गहरी चोट लगने की वजह से हो सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे मालूम होता। शायद बचपन में। नहीं डॉक्टर साहब, बचपन में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं धीरे छोड़ना भाई साहब। नार को मेरी वजह से ही बचपन में चोट लगी थी। साइकिल से गिर गया था। साइकिल में धक्का मैंने ही मारा था डॉक्टर साहब। नार की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने अपने भाई को मौत की तरफ जी भाई साहब, कहिए। क्यों वरुण, क्यों नाहर के बारे में तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी बात? मैं जानता हूं कि नाहर को मेनिनजाइटिस है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई मुझसे दूर जा रहा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया वरुण? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों भाई साहब? मैं मजबूर था। नार ने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। इसलिए तो वो आप सबसे दूर अपनी मौत का अकेले सामना करने गए। सिर्फ सलोनी को साथ ले गए। वो नहीं चाहता था कि आप लोगों की आंखों में उसकी मौत का गम दिखे। बताइए मैं क्या करता? सलोनी को इसके बारे में मालूम?
जी हाँ। और सलोनी ने भी हमें नहीं बताया, हमसे ये बात छुपा कर रखी। नहीं सलोनी ऐसा जानबूझकर नहीं करेगी वरुण, शायद नाहर ने तुम्हारी तरह उसे भी मजबूर किया होगा हमें ये बताने के लिए। इमेजिन करो वो बेचारी किस तकलीफ में होगी, किस तरह से वो इस दर्द को बर्दाश्त कर रही होगी। वरुण तुमने ऐसा क्यों किया? वरुण भाई साहब संभालिए अपने आप को, होनी को कौन टाल सकता है। अब हमें मिलकर इस सच का सामना करना होगा, नहार की मौत। नहीं वरुण ऐसा कुछ नहीं होगा, यह सच नहीं है। और इस सच को झूठ में बदलने के लिए अगर मुझे विधाता से लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ूंगा। मैं नहार को बेस्ट डॉक्टर्स के पास ले जाऊंगा, मेरा नहार मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। भाई साहब आज हमारे जिंदगी के तकलीफों के अंत होने का दिन है। अब गम के काले बादल हट जाएंगे और हमारे जीवन में नई रोशनी आएगी। नहार आज मेरे और आपके प्यार की जीत होकर रहेगी। आज सलोनी को हारना ही होगा, अब उसकी खुशियों का अंत निश्चित है। हम ब्रजेश और उसके पूरे परिवार को नहार के मौत के मौतम में डूबे हुए देखना चाहते हैं। आप नहार की रिपोर्ट्स लाए ना। एक्सलेंट, क्योंकि ब्रजेश हर हाल में नहार से मिलने की कोशिश करेंगे। बट आई एम सो सॉरी नहार, इससे पहले कि आपकी मुलाकात आपके भाई साहब से हो आपको ऊपर पहुंचना होगा। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने अपने काम को बाखूबी अंजाम दिया है। ये रही नहार की झूठी रिपोर्ट। वंडरफुल, अब वही होगा जो मैं और आप चाहती हैं। सलोनी, हमारा जाना जरूरी है क्या? नहार प्लीज, मेरे विश्वास पर विश्वास रखिए, कुछ मत कहिए ऐसा। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। देखो, अपनी आंखों से देखो कितनी श्रद्धा और विश्वास है इन सबके मन में स्वामी जी के लिए। और तुम इन शक्तियों को मानने से इनकार करते हो। स्वामी अमृतानंद की जय। स्वामी अमृतानंद की जय। कोई स्वामी जी की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा।
वरुण सलोनी का? तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वहां नार परेशान हो रहा है। हाँ वरुण, वो वरुण मैं जल लेने के लिए। वहां नार तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है, चलो। इतनी घोर ठंड और स्वामी जी फिर भी पानी में चले गए? अरे भाई ये तो तप का कमाल है, ये तो सिर्फ स्वामी जी ही कर सकते हैं। स्वामी जी की जय! 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 स्वामी जी चल लेकर आ गए, चलो। रुक जाओ, इस तरफ स्वामी जी के पास कोई नहीं आएगा, नहीं तो ये अलौकिक जल किसी को नहीं मिलेगा। स्वामी अमृतानंद की जय! 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 नहर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वरुण, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले मेरी इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? ये तुम्हारी लेटेस्ट टेस्ट की रिपोर्ट्स। नहर का फोन लग नहीं रहा है और सलोनी अपना फोन भी नहीं उठा रही है।
टैक्सी वाले भाई साहब, जरा ठाकर द्वारे जाना जल्दी है थोड़ी। अरे नहीं नहीं, वो जरूरी काम है, चलो। आते वक्त सवारी नहीं मिलती? अरे कैसे नहीं मिलती, किसने बोला नहीं मिलती, चलो ना भैया। इससे पूछ लो ये जाता हो तो। अरे धन, अरे भाई साहब जरा ठाकर द्वारे जाना है जल्दी है। जी एक ही बार गया था, रास्ता ठीक से याद नहीं। मैं बता दूंगी रास्ता, बड़ा अर्जेंट काम है, चलो। अच्छा दुगने पैसे ले लेना, चलो। नहीं वो बात नहीं है जी, वो तीन गुना पैसे दूंगी, चलो। चलिए ठीक है। तकदीर है भाई, स्वामी जी अगर तपस्या करने चले जाते तो हमें ये अलौकिक जल का मौका नहीं मिलता। सही है भाई, बड़ा चमत्कारी जल है ये, बर्फीले ठंडे पानी में से भी स्वामी जी खोलता हुआ जल निकाल के ले जाते। तुम्हारी तबीयत पहले से कई ज्यादा बिगड़ चुकी है, मौत इतनी नजदीक आ चुकी है कि पता नहीं कब तक। मगर वरुण, एक वक्त तो मुझे ऐसा लगा था जैसे इस पवित्र जल से मुझे वाकई फायदा हो रहा है। इसका जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं, वो तुम्हारी कंडीशन ठीक होने का एक झूठा एहसास था, जबकि असलियत में तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि उनके फोन से किए गए आखिरी 5 कॉल्स कहां से किए गए थे, प्लीज। कभी सलोनी के बारे में सोचा है नार? क्या बीतरी होगी उस पर? तुम्हारे साथ साथ हर पल एक मौत वो भी मर रही है। अरे ड्राइवर साहब जल्दी चलाओ ना, मुझे जल्दी है, आपको कहा था मैंने। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ पहले एक ही बार आया हूँ। अरे अब घुमाओ गाड़ी, रोको 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 और घुमाओ, आगे किसी से पूछेंगे रास्ता। अक्सर देखा है जाने वाला तो चले जाता है, उसके पीछे उसके अपने इस गिल्ट में रह जाते हैं कि वो उसे रोक नहीं पाए, उसे बचा नहीं पाए। नहर, मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ती देख कहीं सलोनी तुमसे पहले हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए, जिंदा होकर भी मौत से बदतर जिंदगी ना जीने लगे। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरा भाई इस वक्त कहाँ है और किस हालत में। प्लीज नाउ विल यू प्लीज डू दिस। सर आखिरी कुछ कॉल्स ठाकुर द्वार से की गई थी। थैंक यू वेरी मच। ठाकुर द्वार, नहार मेरी बात समझना, सलोनी ये सह नहीं पाएगी, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें कोई फैसला लेना होगा नहार, तुम यूं सलोनी को तड़पता नहीं छोड़ सकते और यूं खुद मौत का इंतजार नहीं कर सकते और इस इंतजार में खुद को सलोनी को जला नहीं सकते। Din 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 din